रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज बिहार आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जमुई बांका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। तो जमुई से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के लिए वोट मांगेंगे और बांका में गिरधारी यादव के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। तो जमुई में करीब 1 बजे राजनाथ सिंह की जनसभा होगी और फिर उसके बाद 2:25 पर बांका में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, रक्षा मंत्री आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर, किस तरह से पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज राजनाथ सिंह का बिहार दौरा है और आज राजनाथ सिंह जमुई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती, जो कि एनडीए के भी प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जनता से वोट भी मांगेंगे। सुबह 11 बजे जमुई के कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में राजनाथ सिंह का बड़ा जनसभा होगा। इस जनसभा में तमाम एनडीए घटक दलों के नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस जनसभा में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी आज इस जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए कांटे की टक्कर आज देखने को मिलेगी, क्योंकि जमुई में आज तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पर चुनावी जनसभा आज करते हुए नजर आएंगे। जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो वो लगातार उनका जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा का दौरा हो रहा है और वो भी महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। जी अश्वेता, ठीक है शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष